सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप सभी के यूपी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग में कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो इसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं फटाक से लाइव सेशन में। आप सभी आ जाइए, आप सभी को सारी चीजें वन बाय वन क्लियर करके बताएंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आप सभी का जो भी सवाल होगा उस सवाल को हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और अगर आप सभी इस वीडियो को लाइव नहीं देख रहे हैं तब भी इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने सारे कॉलेजों का बायोडाटा बताया है, यानी कितने नंबर पर कौन सा कॉलेज है और आप सभी के कितने नंबर पर कितनी रैंक बनने वाली है। इन सब चीजों को लेकर के सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो फटाक से एक बार कमेंट में सारे बच्चे अपना नाम बता दीजिए, जिससे मुझे अंदाजा लग जाए कि हमारे प्यारे साथी एक बार आ चुके हैं लाइव सेशन में। उसके बाद हम अपने इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक को डिस्कस करते हैं। और बहुत सारे बच्चों ने आंसर की अपना देख लिया है, तो आप सभी आंसर की के हिसाब से अपना नंबर भी जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना नंबर आया है, जिससे मुझे लगे कि हमारे स्टूडेंट्स कितने नंबर तक पा गए हैं। उसके बाद बात करता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत कितने नंबर पर कौन सा कितना रैंक बनेगा और कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए, जनरल के लिए अलग बताऊंगा, ओबीसी के लिए अलग बताऊंगा, एससी एसटी के लिए अलग बताऊंगा और आप सभी के गर्ल्स के लिए अलग बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना होगा, अंत तक देखना होगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सभी का कोई भी पर्सनली डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मैसेज कर सकते हो। बाकी जब मैं लाइव आऊंगा, आप सभी अगर अपना सवाल पूछ लेते हो तो मैं आप सभी को सवाल की रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। मैं आप सभी को बता दी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप सभी का जो रिजल्ट है वो 16 तारीख को आने वाला है, 16/8/2023 को आ जाएगा, ठीक है। ये आप सभी के रिजल्ट की डेट है। किस चीज की डेट है ये? आपके ये आपकी डेट है रिजल्ट की डेट। और आपका जो च्वाइस फिलिंग होगा, यानी च्वाइस फिलिंग यानी आप सभी जो कॉलेज फिल करने वाले हो, वो आप सभी फिल करने वाले हो 20 तारीख 8वां महीना 2023 तक। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का अभी च्वाइस फिलिंग नहीं करना है, यानी अभी आपको सिर्फ कॉलेज की लिस्ट तैयार करनी है कि कौन सा कॉलेज अभी हमें फिल करना है, यानी कौन सा कॉलेज डालना है। अभी आपको कॉलेज नहीं फिल करना है ना कॉलेज लॉक करना है। मैं इस वीडियो की शुरुआत में बता दे रहा हूँ, आप सभी की मर्जी, आप सभी क्या करेंगे। जब तक आपकी रैंक नहीं आ जाती है तब तक आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि नंबर से इस बार रैंक का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हाई स्कोर आया है और मेरे पास मैसेज जा रहे हैं वो 6362 तक के मैसेज आ गए हैं, यानी बहुत सारे बच्चों का बहुत हाई कट ऑफ है। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी का जो लगभग 200 नंबर होगा इस बार, 200 नंबर पे आप सभी की, यानी 200 नंबर पे लगभग 14,000 रैंक बनने वाली है। 200 नंबर के आसपास के बच्चों की 14,000 रैंक बनेगी। अब आप सभी को बताते हैं मूवी की दुनिया का 288 नंबर के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को डिस्कशन करने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, वो भी राउंड नंबर 3 का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक राउंड नंबर 3 का मतलब है कि कौन सा रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस पूरे वीडियो के अंतर्गत। मैं बताऊंगा आप सभी को सभी कॉलेज का, ऑल कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। ऐसा नहीं है कि मैं दो चार कॉलेज का बताऊंगा, सभी कॉलेज का बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखना होगा सभी बच्चे। थैंक यू सो मच मूवी की दुनिया, क्योंकि आज हमारा बर्थडे था तो आप सभी विश कर रहे हैं उसके लिए, थैंक यू सो मच। सभी कॉलेज का मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज को बता करके वीडियो को अंत कर दूंगा। आपको अंत तक देखना होगा और आपको अंत तक बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए, तो हमारा देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसत मुजफ्फरनगर है। जानसत मुजफ्फरनगर में 21,000 रैंक सिविल के लिए गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 64,000 रैंक गई है, तो बहुत हाई कट ऑफ है, यानी यहाँ पर लगभग 150 नंबर के अंतर्गत एडमिशन हो जाएगा। सबसे पहले उन बच्चों का रिप्लाई कर देता हूँ जिन बच्चों का कहना है कि मेरा 100 नंबर आया है, 150 नंबर आया है, 80 नंबर आया है, क्या उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो मैं बता दूं कि सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, मैं अपनी तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ, सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। रैंक आप सभी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसत मुजफ्फरनगर में रैंक गई है 50,000। 50,000 रैंक का मतलब है कि अगर आपका 100 नंबर भी होगा तो आपका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। तो इस बात को लेकर आप सभी बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको रैंक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप कॉलेज में एडमिशन 100% मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलेगा तो आप सभी को एडेड कॉलेज में मिलेगा, ठीक है।
लेकिन आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लेना है, प्राइवेट नहीं लेना है, सिर्फ आपको गवर्नमेंट और एडेड कॉलेज में इस बार जाना है एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। 288 में लगभग 3000 के आसपास रैंक बनेगी, ठीक है। चलिए अगला हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौतना बारौद, ठीक है। यहाँ पर सिविल के लिए 26000 रैंक गई है, और यहाँ पर डेयरी इंजीनियरिंग कोई ऐसी ब्रांच है जिसको हमको देखना नहीं है। मैकेनिकल के लिए देख सकते हैं 63000 है, ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है। चलिए तो मैकेनिकल के लिए 63000 के आसपास रैंक गई है, ठीक है। अगला हमारा है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बुलंदशहर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 1,76,000 रैंक है, यानी अगर गर्ल्स के लिए 80 नंबर भी हैं, अगर गर्ल्स के लिए 80 मार्क्स भी हैं तो इस कॉलेज में एडमिशन इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो जाएगा, ठीक है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो 1,62,000 है, तो समझ सकते हैं कि बहुत आराम से एडमिशन हो जाएगा। वीरेंद्र कुमार है 308 पे, आपकी 308 नंबर पे अप्रोक्स जो आपकी रैंक बनेगी वो बनेगी मेरे हिसाब से अप्रोक्स 1000 के अंतर्गत, 1000 के अंदर ही रैंक बनने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल 172 पे मिल जाएगा, मैं कह रहा हूँ, चिल्ला कर कह रहा हूँ कि मिल जाएगा, घबराओ नहीं, थोड़ा सा सब्र बना के रखो। सब कॉलेज का दिखा रहा हूँ कट ऑफ, सारे कॉलेज का कट ऑफ दिखा रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए यूपी का टॉप थ्री का कॉलेज आ गया है। अब यहाँ पर कितने नंबर पे एडमिशन होगा देख लीजिएगा, यूपी के टॉप थ्री में सिविल है 1617 है, तो आप सभी का स्कोर 280 के आसपास है तो सिविल मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 14000 रैंक गई है, तो 14000 के लिए आप सभी का स्कोर 180 के पास होना चाहिए तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 9000 रैंक है, यानी यहाँ पर भी 200 नंबर के आसपास स्कोर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें और ब्रांचेस की तो और ब्रांच है मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल यानी 230 के प्लस स्कोर ला दीजिए, आपको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल गाजियाबाद में मिल जाएगा, ठीक है। सर मेरे 240 नंबर है महामाया पॉलिटेक्निक मुकुल शर्मा, मिल जाएगा घबराओ नहीं, मुकुल शर्मा आपको मिल जाएगा घबराओ मत। सिविल इंजीनियरिंग अगर गाजियाबाद की बात करें, अगर हम मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, तो यहाँ पर 160 के आसपास ही स्कोर पे मिल जाएगा गाजियाबाद में एडमिशन। मैकेनिकल प्रोडक्शन का बहुत हाई है 3268 है, तो यानी आपको 240 के प्लस में आना स्कोर लाना पड़ेगा, ठीक है। ये गाजियाबाद का मैंने कट ऑफ दिखा दिया है, गाजियाबाद का बता दिया है प्रियंका विश्वकर्मा, गाजियाबाद का बताया है तो गोरखपुर का भी बताऊंगा और अदर कॉलेज का भी बताऊंगा, अगर आप सभी अंत तक बने रहेंगे तो बताऊंगा। अगला हमारा एक गवर्नमेंट कॉलेज है सेठ गंगा सागर जाटिया पॉलिटेक्निक खुर्जा बुलंदशहर, ये भी गवर्नमेंट कॉलेज है, सिविल के लिए 10000 रैंक गई है, इलेक्ट्रिकल के लिए देख सकते हैं 5000 रैंक गई है, ठीक है, तो बहुत हाई कट ऑफ गया है। अगला हमारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सहारनपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए लगभग 44000 रैंक गई है क्लोजिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 57000 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। चलिए और 208 नंबर है कानपुर, मिल जाएगा 208 नंबर पे कानपुर, बहुत कम चांस रहते हैं मिलने के। ये है हमारे यूपी का टॉप 9 का कॉलेज, इसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में फिलहाल मैं पढ़ता हूँ, जो आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कॉलेज आप सभी के स्क्रीन पर है, इसी कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ और मेरी ब्रांच है फाइनली मैकेनिकल प्रोडक्शन फाइनल ईयर। सिविल के लिए गर्ल्स के लिए 28000 है, बॉयज के लिए 6600 रैंक गई है, इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत हाई कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर 7100 पे क्लोज हो गई थी रैंक, तो आप सभी को यहाँ पर 250 के प्लस में इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, अगर 220 के प्लस में है तो आपको मैकेनिकल मिल जाता है हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में, ठीक है। चलिए डी फार्मा 140 नंबर पे, तो 104 नंबर पे मिल जाएगा, लखनऊ में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला हमारा है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल ब्रांच 1,44,000 है, तो अगर 90 का स्कोर है आपका तब भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 1,17,000 के आसपास रैंक गई है, तो बहुत हाई कट ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला हमारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिजनौर, जो कि यूपी का टॉप 14 का कॉलेज है, यूपी के टॉप 14 का कॉलेज है बिजनौर। सिविल इंजीनियरिंग के लिए 13000 रैंक गई है, कंप्यूटर साइंस के लिए 31000 गई है, यानी यहाँ पर अगर 200 के प्लस स्कोर है तो मिल जाएगा, और यहाँ पर अगर बात करें 31000 है तो 160 के प्लस स्कोर है तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। 100 नंबर मिला है तब भी कॉलेज मिलेगा, घबराओ नहीं, सिर्फ बने रहो वीडियो में, बहुत कुछ दिखाऊंगा आप सभी को कट ऑफ। मैकेनिकल मेंटेनेंस है 20,837 रैंक गई है बिजनौर में, तो आराम से मिल गया है। यूपी का एक और शानदार कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर, जो कि 41,000 है कंप्यूटर साइंस का, तो 160 नंबर के ऊपर मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिकल 9000 है तो आप सभी 200 नंबर मान लो, ठीक है। चलिए 200 नंबर के आसपास का स्कोर मान लीजिए, ठीक है। प्रिया सिंह बता दीजिए सर 150 नंबर है लखनऊ गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा सिविल से। देखिए प्रिया सिंह 150 नंबर पे तो कहना मुश्किल होगा, लेकिन अदर कॉलेज अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। मैं अदर सबसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि मैं वीडियो के अंत तक आप सभी का रिप्लाई करूंगा। पहले आप सभी सारे कॉलेज का कट ऑफ देख लो, उसके बाद मैं आप सभी का सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रामपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 43,000 रैंक गई है, तो बहुत हाई कट ऑफ है। अगला हमारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मैनपुरी, जहां पर 35,000 इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए गई है, ठीक है। चलिए, सबका रिप्लाई करूंगा मैं, सबका रिप्लाई करूंगा, लेकिन वीडियो के अंत तक मैं इस कट ऑफ को दिखा दूंगा, उसके बाद आप सभी का एक एक करके बच्चे का रिप्लाई करूंगा, घबराओ नहीं। मैनपुरी में अगर हम बात करें और कोई अच्छी ब्रांच तो नहीं है। चलिए, अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोरो कासगंज, 26,000 रैंक गई है, ठीक है। चलिए, 188 पे मोहिंदर वर्मा, बरेली मिल जाने की उम्मीद है, घबराओ नहीं, ठीक है। चलिए, मैकेनिकल प्रोडक्शन है सोरो कासगंज, 31,000 रैंक गई है, तो काफी आराम से एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक शामली है, कंप्यूटर साइंस 1.5 लाख रैंक, तो बहुत हाई कट ऑफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल 80-90 नंबर पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स 1,84,000, 70 नंबर पर भी मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट लेजर इंस्टीट्यूट आगरा है, 30,000 और 22,000 है, तो यहाँ पर 180 के आसपास स्कोर पे मिल जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। मूवी की दुनिया, सभी बच्चे कह रहा हूं कि मैं वीडियो के अंत तक सभी की रिप्लाई करूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपकी सबका रिप्लाई करूंगा। पहले मैं कट ऑफ दिखा दूं, टॉप 20 का कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, केमिकल इंजीनियरिंग की कट ऑफ देख सकते हो, गर्ल्स के लिए बहुत हाई है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद की मैकेनिकल प्रोडक्शन ब्रांच फेमस है, 15,000 रैंक है, यानी यहाँ पर अगर आपका 180 के प्लस में स्कोर है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रतापगढ़ मिल जाएगा, यूपी के प्रतापगढ़ का स्टूडेंट हूँ मैं, सॉरी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, स्टूडेंट तो मुरादाबाद का हूँ। जनता पॉलिटेक्निक जहांगीराबाद एडेड कॉलेज है, अगर कोई बच्चा फार्मेसी का है तो देख लीजिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए रैंक जो गई है, गर्ल्स के बॉयज के लिए 175 गई है और गर्ल्स के लिए 877 रैंक गई है, तो अगर फार्मेसी का कोई बालक इस समय लाइव देख रहा हो या बाद में भी देख रहा हो तो देख सकता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत हाई कट ऑफ गई है। इस वीडियो में बता दूं कि जो आप सभी को सेकंड शिफ्ट दिख रहा है, अब सेकंड शिफ्ट खत्म कर दिया गया है, सेकंड शिफ्ट जो है वो खत्म कर दिया गया है, अब सेकंड शिफ्ट नहीं होता, अब वनली फर्स्ट शिफ्ट चलेगा, सिविल इंजीनियरिंग, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ एडेड कॉलेज है, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ, प्रतापगढ़ में 150 पर मिल जाता है, डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ का 20,000 सिविल के लिए गया है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा कौन सा कॉलेज होगा, अगला हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल के लिए 11,797 है, ठीक है। चलिए, अगला मैकेनिकल प्रोडक्शन है, 25,000 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। चलिए सर, मेरा 145 है, गोरखपुर या गाजीपुर में मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल या सिविल, 100% मिल जाएगा, मैं दिलवाऊंगा, घबराओ नहीं, सारे बच्चे सबकी रिप्लाई करूंगा, डरो नहीं, ठीक है। थोड़ा वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, 10 मिनट के अंतर्गत सारा मैं कट ऑफ दिखा दूं, उसके बाद मैं आपकी रिप्लाई करूंगा। मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि अगर किसी स्टूडेंट की रिप्लाई ना करूं तो बताओ। डीजे पॉलिटेक्निक बागपत है, सिविल के लिए 40,000 रैंक गई है क्लोजिंग, ठीक है। डीजे पॉलिटेक्निक बागपत की अगर मैं और ब्रांचेस की बात करूं, वो हुई कंप्यूटर साइंस, तो 1,70,000, बहुत हाई कट ऑफ है, तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 36,000, ये एडेड कॉलेज है, डीजे पॉलिटेक्निक बागपत जो है एडेड कॉलेज है। मैं आज की इस कंप्लीट वीडियो में सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज और एडेड कॉलेज को दिखा रहा हूँ। गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर भी एडेड कॉलेज है, ठीक है। अगर सिविल की कट ऑफ की बात करें तो 25,000 रैंक गई है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारा इलेक्ट्रिकल होगा, तो इलेक्ट्रिकल के लिए कितनी गई है, इलेक्ट्रिकल ऊपर ही निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिकल के लिए गई है 17,000 रैंक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 17,000। चलिए, गांधी पॉलिटेक्निक सबका रिप्लाई करूंगा, बारी बारी से करूंगा, थोड़ा सा सब्र बनाइए। गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर में जो ऑटोमोबाइल की है वो 85,000 रैंक गई है, ठीक है, और ऑटोमोबाइल के साथ साथ ही यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए 63,000 रैंक गई है, तो बहुत हाई कट ऑफ है। आराम से देखते चलिए सारी कट ऑफ को और कॉपी में नोट करते चलिए, कोई नहीं दिखा पाएगा, पूरे पॉलिटेक्निक चैनल की बात कर रहा हूँ, किसी के पास नहीं है। चलिए, एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस 11,000 है, सिविल के लिए अच्छी कट ऑफ गई है, ठीक है, रैंक अच्छा है यहाँ पर एडमिशन के लिए। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 55,000 है, ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस। चलिए, सभी बच्चों की रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा मैं सब मांगूंगा आप सभी से। चलिए, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 26,000 रैंक गई है। अगर हम बात करें मैकेनिकल प्रोडक्शन 27,000 है, ये एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस। चलिए, अगले आगे कॉलेज की तरफ चलते हैं। अगला हमारा कौन सा कॉलेज होगा, गवर्नमेंट कॉलेज देखिए, पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा, चेक कर लीजिएगा आप सभी को, एडेड कॉलेज है कि गवर्नमेंट, 16,000 रैंक गई है, बहुत अच्छा कॉलेज है। ऑटोमोबाइल 48,000 रैंक गई है, पीएमबी पॉलिटेक्निक मथुरा। मैकेनिकल प्रोडक्शन 46,000 है। चलिए,
अगले कॉलेज की तरफ से अब सबका रिप्लाई करूंगा, अभी कुछ करके फायदा नहीं है चिल्ला करके, ठीक है। चलिए अगला चौधरी मुख्तार सिंह गर्ल्स कॉलेज है, तो भैया 1,22,000 और 1,72,000 आराम से 80 नंबर, 80+ होगा तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बहुत। चलिए अगला है हमारा कॉलेज महामाया पॉलिटेक्निक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहां पर 539 है आपके लेटरल एंट्री के लिए और 55,000 रैंक गई है आपके नॉर्मल के लिए, ठीक है। ये आपके हाथरस का महामाया पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है। नीतीश पटेल थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, सबका रिप्लाई करूंगा एक तरफ से करूंगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी महामाया पॉलिटेक्निक 84,266 गई है, चलिए तो इतने को रैंक पे आराम से एडमिशन हो जाएगा, घबराओ नहीं, सबका सरकारी कॉलेज में ही होगा। 100 नंबर में कितना रैंक होगा, 100 नंबर पे अप्रोक्स जो रैंक होती है वो 46,000 या से 50,000 के बीच में होती है। देखिए मैं सबका एक तरफ से रिप्लाई करना चाहता हूं, मैं किसी स्टूडेंट को निराश नहीं करना चाहता, मेरी तरफ से कोई निराशा नहीं आएगी आपको, लेकिन पहले मैं क्लोजिंग रैंक आप सभी को दिखा दूं जो आप सभी के लिए जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहां पर टुंडला फिरोजाबाद आ गया है, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज सिविल के लिए गया है कितना, 16,000, और कोई कॉलेज और यहां पर ब्रांच है मैकेनिकल, यहां पर 38,000 रैंक गई है, तो आराम से आपको यहां पर 160 के आसपास के स्कोर पर एडमिशन मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चांगीपुर नूरपुर बिजनौर, 22-23,000 है, कंप्यूटर के लिए 66,000 है, तो 150 के प्लस में स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मनकेरा आगरा सिविल 41,000 है, 140 प्लस मान के चलो मिल जाएगा। अगला है मैकेनिकल प्रोडक्शन 1,300 है, तो आप 180 प्लस मान के चलो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है। चलिए अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सुतावली अमरोहा मैकेनिकल, 50,000 रैंक गई है, 50,000 रैंक का मतलब होता है कि 160 मान के चलो कि आराम से मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगी। ईआर एंड अदर स्टूडेंट्स जो भी है हमारे सामने, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा सब्र बनाकर रखिए, 10 मिनट थोड़ा मुझे दीजिए। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिकंदरा राव एटा है, 23,000 रैंक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 18,000 रैंक है, सिकंदरा राव एटा। मैकेनिकल प्रोडक्शन 37,000 है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर सिविल इंजीनियरिंग 21,000 रैंक है, ठीक है, क्लोजिंग, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर इलेक्ट्रिकल 18,000 रैंक है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहबाद रामपुर 34,000 मैकेनिकल प्रोडक्शन है। चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा भागो मैनपुरी सिविल इंजीनियरिंग 14,000 है, इलेक्ट्रिकल 17,000 रैंक है, ठीक है। चलिए बहुत प्रियंका विश्वकर्मा थोड़ा सब्र बनाकर रखिए, आपको हर एक कॉलेज का दिखाऊंगा, घबराओ नहीं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छाछा मैनपुरी जो भागव मैनपुरी है 29,000 मैकेनिकल के लिए है। चलिए तो अगले कॉलेज की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चंदौसी संभल सिविल 22,000 और केमिकल 43,000। चलिए अगला हमारा कौन सा कॉलेज होगा टारगेट, अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मवाना खुर्द मेरठ, कंप्यूटर साइंस 70,000 रैंक है, मैकेनिकल 48,000 है, इलेक्ट्रिकल 24,000 है, ठीक है। चलिए महामाया पॉलिटेक्निक अलीगढ़ का मैंने 3-4 बार दिखा दिया है, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कोतवा किलसान मथुरा है, मथुरा वाला देखिए सिविल के लिए 3400 बहुत हाई कट ऑफ है, इसके लिए 240 प्लस चाहिए स्कोर, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डिवाई बुलंदशहर सिविल 11,000 है, तो 190 प्लस मान के चलो, ठीक है। चलिए अगला हमारा कॉलेज होगा महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलीगढ़, सिविल 2804 है, कंप्यूटर साइंस 32,000 है, सिविल के लिए मान के चलिए आप सभी की क्लोजिंग रैंक जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 260, और कंप्यूटर साइंस के लिए तो आप सभी 160 मान के चलिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 5,000 रैंक है, तो आप सभी 220 प्लस मान के चलिए, स्कोर आना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज होगा देखते हैं, 4 नंबर पर कितना रैंक होगा, ये क्या बात हुई भाई 4 नंबर पे। अगला गवर्नमेंट कॉलेज है महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शामली, मैकेनिकल प्रोडक्शन 74,000 है, ठीक है। चलिए अगला हमारा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल, देख लीजिए इलेक्ट्रिकल बराबर इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल नॉर्मल और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में कोई फर्क नहीं है, एक सब्जेक्ट का फर्क है, तो आपको इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी मिल रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लेना, ठीक है। हिंडलपुर हापुड़ है, हिंडलपुर हापुड़ में कौन सा ब्रांच चलता है, कौन सी ब्रांच है, टेक्सटाइल ब्रांच है, छोड़िए, ठीक है, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल थी जिसका मैंने दिखा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अपना कौन सा कॉलेज रहने वाला है देखते हैं, सचिन यादव 320 पे मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए। अगला हमारा राजीव गांधी पॉलिटेक्निक मुसाफिर खाना सिविल बहुत हाई कट ऑफ है, 120 प्लस पे मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल कितने पे मिल जाएगा, 120 इसको भी मान के चलिए,
ठीक है, तो नॉर्मल कॉलेज 120 नंबर पे मिल जाते हैं, तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं मिलेगा, घबराइए मत, पॉलिटेक्निक में 100 नंबर के ऊपर आराम से बच्चे कॉलेज में एडमिशन करा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, 100 नंबर के ऊपर एडमिशन आराम से हो जाएगा। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ, इलेक्ट्रॉनिक्स रैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कितनी रैंक होनी नंबर होना चाहिए, तो 160 नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होना चाहिए, ठीक है, लखनऊ गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक। अगर मैं गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ की आईटी की ब्रांच करूं तो यहां पर 140 प्लस मान के चलो। अगर हम बात करें और कोई अच्छी ब्रांच, तो और कोई अच्छी ब्रांच लखनऊ में है ही नहीं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ में। चलिए अनसब्सक्राइब मार दूंगा, कोई जरूरी नहीं है आपको सब्सक्राइब करने की, ठीक है। चलिए आपको अगर नीड नहीं है और आपके पास वेट करने का वक्त नहीं है तो मैं नहीं कहता कि आप आओ, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बछरावर रायबरेली, केमिकल इंजीनियरिंग 57,000 रैंक, ठीक है, और सिर्फ मैकेनिकल 14,000 रैंक, तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप सभी ऐसे वर्ड यूज करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार। आप सबका भाई हूँ, छोटा बड़ा भाई जो भी समझते हो, मैं भी पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, आप सभी को जितनी भी नॉलेज हो सकती है मैं देने की कोशिश करूंगा, जितनी मुझे नॉलेज है मैं दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी इतनी डेप्थ में बात नहीं करेगा आप सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम सबको थोड़ा सा 2 साल का एक्सपीरियंस है पॉलिटेक्निक का, और कल आप पॉलिटेक्निक में आओगे तो मुझसे कुछ ना कुछ जरूर पूछोगे, ठीक है। सिविल 214 रैंक है पॉलिटेक्निक लखनऊ, तो 300 नंबर जिसका है उसको सिविल मिल जाएगा लखनऊ में, ठीक है। अगर लखनऊ में इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसको भी 300 प्लस स्कोर जिसका है उसको मिल जाएगा। अगला हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच अगर 220 प्लस है तो मिल जाएगा। अगला हमारा आईटी ब्रांच है, तो यहाँ पर 240 प्लस है तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, 280 प्लस जिसका है ऑटोमोबाइल मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रोडक्शन 280 प्लस है तो आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल जाएगा। चलिए रुपेश कुमार 160 पर मिल जाएगा, घबराओ नहीं, ठीक है। अगला है हमारा जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ, टॉप 2 का कॉलेज है जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ, सिविल इंजीनियरिंग 300 नंबर प्लस होना चाहिए स्कोर, इलेक्ट्रिकल के 300 प्लस स्कोर होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैकेनिकल प्रोडक्शन 280 प्लस होना चाहिए, ठीक है, जीबी पंत पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 220 नंबर पर के2 ग्रुप का बता दूंगा। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, 1768 रैंक गई है यहाँ पर कट ऑफ, तो 1768 का मतलब होता है कि अप्रोक्स आप सभी की जो रैंक होनी चाहिए वो आप सभी की 260 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, अयोध्या में एडमिशन के लिए, और इलेक्ट्रिकल में एडमिशन के लिए 260 प्लस चाहिए स्कोर, ठीक है। अयोध्या में मैकेनिकल के लिए अप्रोक्स आप सभी की स्कोर 220 प्लस चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है हमारा गर्ल्स पॉलिटेक्निक अयोध्या, तो यहाँ पर एडमिशन आराम से 80 नंबर के आसपास किसी भी ब्रांच में हो जाएगा, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अंबेडकर नगर, कंप्यूटर साइंस के लिए 160 प्लस स्कोर मान के चलिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 220 प्लस का स्कोर मान के चलिए, 7,303 क्लोजिंग रैंक है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आप सभी 180 प्लस के या 160 पर ही एडमिशन हो जाएगा, छत्रपति साहू जी महाराज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छत्रपति साहू जी की आईटी ब्रांच, 49,000 रैंक है, तो आराम से एडमिशन हो जाएगा। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी में 27,000 क्लोजिंग रैंक है, किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या, सिविल इंजीनियरिंग 4,000 रैंक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 5,000 क्लोजिंग रैंक है, गोंडा के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल भी है 17,000 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स 25,000 है गोंडा के लिए, ठीक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन गोंडा के लिए 13,000 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बहराइच सिविल के लिए कितनी क्लोजिंग रैंक है, 11,000 सिविल के लिए क्लोजिंग रैंक है, इलेक्ट्रिकल के लिए 29,000 क्लोजिंग रैंक है, और बहराइच इलेक्ट्रॉनिक्स 48,000 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है। चलिए अगला हमारा है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक अमेठी, इनको लगभग 100 प्लस का स्कोर होगा तो आराम से अमेठी में एडमिशन किसी भी ब्रांच में मिल जाएगा, इतना आश्वासन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उन्नाव 11,000 है, तो 180 प्लस पे कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका स्कोर 160 प्लस हो तब भी मिल जाएगा, ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक उन्नाव। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हरदोई, इसका स्कोर अगर आप सभी का 190 प्लस है तो आराम से या 200 प्लस मान के चल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, यहाँ पर ये हाईलाइट है, अगर कोई ग्रुप इवन से है तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए 789 रैंक और गर्ल्स के लिए 281 रैंक गई है, ठीक है, बाकी केमिकल के लिए बहुत हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीमपुर खीरी, ठीक है,
और अगला कॉलेज है महेंद्र मुनेंद्र वर्मा, यूपी का एक टॉप सरकारी कॉलेज है, यूपी का एक टॉप सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली, ठीक है, 4950 यानी 220 का स्कोर होना चाहिए बरेली में एडमिशन करने के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी 240 प्लस का चाहिए स्कोर, ठीक है। अगर हम मैकेनिकल की बात करें बरेली में एडमिशन के लिए, तो मैकेनिकल आप सभी का 200 के आसपास के स्कोर पे मिल जाएगा। अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करें तो वहां पर भी 200 या 180 के आसपास एडमिशन मिल जाता है। अगला है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक बरेली, यहाँ पर अगर आपका 80 प्लस या 100 के आसपास स्कोर है तो बरेली की किसी भी ब्रांच में एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, यहाँ पर सिर्फ एक बेकार ब्रांच चलती है, वो भी केमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें क्लोजिंग रैंक है 200 के आसपास अगर एडमिशन है नंबर है तो मिल जाएगा। अगला हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पीलीभीत में 15,000 रैंक है इलेक्ट्रिकल के लिए क्लोजिंग, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शाहजहांपुर की बात करें तो केमिकल के लिए 28,000 क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, शाहजहांपुर हमारे बगल में ही है, ठीक है, और 23,000 कंप्यूटर साइंस के लिए है, ठीक है। और अदर कौन सी ब्रांच है, मैकेनिकल प्रोडक्शन 14,000 रैंक है, ठीक है। संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी, यहाँ पर सिविल के लिए 6,900, तो यहाँ पर अगर 200 प्लस है तो स्कोर मिल जाएगा आराम से, प्रोडक्शन में मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में आराम से 180 के अंदर ही मिल जाता है। अगर मैकेनिकल प्रोडक्शन 17,000 रैंक गई है तो 180 यहाँ पर भी मान के चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी। अगला है यूपी का एक टॉप कॉलेज है लखनऊ पॉलिटेक्निक, लखनऊ यूपी का एक टॉप कॉलेज है, एडेड कॉलेज है लेकिन टॉप का कॉलेज है लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, यूपी का एक टॉप एडेड कॉलेज है, सिविल के लिए 2400 रैंक गई है, यानी आप सभी का स्कोर 260 प्लस मान के चलिए। अगर हम बात करें शिफ्ट की तो सेकेंड शिफ्ट खत्म हो गया है तो इसके लिए और हाई कट ऑफ जाएगी। इलेक्ट्रिकल के लिए 2600 क्लोजिंग रैंक है तो आप सभी का स्कोर 240 मान के चलिए। अगला हमारा यहाँ पर कौन सा ब्रांच चलता है, अगला इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच चलता है तो 21,000 है तो 180 प्लस का स्कोर मान के चलिए मिल जाएगा एडमिशन। LPL यानी लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ में मैकेनिकल प्रोडक्शन 220 के स्कोर पे मिल जाता है आराम से, ठीक है। अगला हमारा हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, ये लखनऊ का बाप कॉलेज है, लखनऊ का बाप कॉलेज है, यूपी का सबसे नंबर वन का कॉलेज है लखनऊ, और हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ यूपी का बाप कॉलेज, ठीक है, यूपी का बाप कॉलेज हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, सिविल के लिए 1133 रैंक है। इतनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ का प्लेसमेंट 25,000 के आसपास होता है, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ का प्लेसमेंट 25,000 के आसपास होता है बच्चों का प्लेसमेंट, ठीक है, लखनऊ का बाप कॉलेज है कहते रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल के लिए 1198 रैंक, आईटी के लिए कितनी रैंक गई है, 30 रैंक गई है, ठीक है, चलिए मैकेनिकल के लिए 3400 रैंक, तो यहाँ पर 280 के आसपास का स्कोर पे एडमिशन आराम से हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ में मिल जाएगा, और कोई अच्छी ब्रांच है नहीं यहाँ पर, ठीक है। अगला हमारा एडेड कॉलेज है फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली, जहाँ पर आराम से आपको 160 के अंतर्गत ही एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रोडक्शन की बात करें अगर फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक में, तो यहाँ पर आपको 180 के आसपास के स्कोर पे एडमिशन मैकेनिकल में फिरोज गांधी में मिल जाता है, ठीक है। अगला है जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद, सिविल के लिए 7,000 रैंक है, ठीक है। अगर और कोई ब्रांच होगी तो मैं दिखा देने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, 91,000 रैंक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई खास स्कोप रह नहीं गया, मैकेनिकल प्रोडक्शन 63,000 है, ठीक है। चलिए अगला, सबका रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा लाइव सेशन में अंत तक बने रहेंगे तो रिप्लाई बहुत प्यार से करूंगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कुर्सी रोड बाराबंकी है, ठीक है, यहाँ पर 6,000 रैंक गई है क्लोजिंग, किसके लिए गई है, सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 8,000 है, मैकेनिकल के लिए 19,000 है, ठीक है। कितने रैंक पे कितना कॉलेज, कितने नंबर पे कितनी रैंक बनती है बहुत बता दिया अभी तक, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आदमपुर गोंडा है, 33,000 रैंक है ऑटोमोबाइल के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए 30,000 है, तो यहाँ पर अगर 160 प्लस का भी स्कोर है तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदपुर बहराइच केमिकल के लिए 120 प्लस का स्कोर पे एडमिशन मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल के लिए 140 या 160 मिल जाए तब भी एडमिशन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए नितिन पांडे, अभी मैं सबका रिप्लाई करूंगा, घबराओ नहीं, कौन सा कॉलेज सबका एक एक करके रिप्लाई करूंगा, थोड़ा सा सब्र बनाइए, मैं अभी थोड़ा सा दिखा दूं और कॉलेज का रैंक। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक श्रावस्ती चल रही है, श्रावस्ती में सिविल के लिए 13,000 है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बलरामपुर है और श्रावस्ती है, ठीक है, देख सकते हैं 20,000 है आसपास रैंक, और यहाँ पर कंप्यूटर के लिए 75,000 है, ठीक है, श्रावस्ती का दिख रहा है, ठीक है। और एक टॉप कॉलेज अभी थोड़ा बाकी है लखनऊ, और लखनऊ का तो हो गया,
गोरखपुर और कानपुर का दिखा दूं, गाजियाबाद का दिखा दिया, लखनऊ का दिखा दिया, उसके बाद आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, एडमिशन सबका होगा, अलापुर बदायूं है 20,000 रैंक सिविल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए 19,000 है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है अलापुर बदायूं, ठीक है, और 34,000 है आपके मैकेनिकल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक डी सदर उन्नाव इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 14,000 है, मैकेनिकल के लिए 13,000 है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुआवा शाहजहांपुर इलेक्ट्रिकल के लिए 16,000 रैंक है, ऑटोमोबाइल 36,000 है, और अगर और कोई ब्रांच चल रही होगी तो देखते हैं, ठीक है। चलिए सर, आजमगढ़ का प्लीज सबका आ जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बैजपुर वीटी अंबेडकर नगर सिविल 9,000, इलेक्ट्रिकल 11,000, मैकेनिकल 20,000, ठीक है। चलिए अगला कॉलेज देखते हैं कौन सा हमारा आता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक केनौरा सुल्तानपुर है, सिविल है 8,300 रैंक, इलेक्ट्रिकल है 9,500, मैकेनिकल है 22,000, ठीक है। चलिए देखते हैं और कोई कॉलेज है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अलिया सीतापुर है, यहाँ पर मैकेनिकल के लिए 28,000 रैंक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरनपुर पीलीभीत 21,000 है सिविल के लिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पूरनपुर पीलीभीत, जिसमें मैकेनिकल के लिए 37,000। बीघापुर उन्नाव है, जिसका कंप्यूटर के लिए 34,000 रैंक है और मैकेनिकल के लिए 19,000 रैंक है, तो इनमें आराम से एडमिशन 180 प्लस पे हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए आगे है ओम जय, थोड़ा सा सब्र बनाइए, दो चार कॉलेजेस और दिखा दूं आप सभी को, जिसके बाद आप सभी को मैं रिप्लाई कर सकूं, जो भी आपके कमेंट होंगे मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, और शाम के 7 बजे लाइव पूछताछ सीरीज में आऊंगा, जहां पर आप सभी अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर यूपी का टॉप का कॉलेज है, टॉप 2 का कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का कट ऑफ एक एक करके देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर प्रतापगढ़ का आ जाएगा, घबराओ नहीं, प्रतापगढ़ का भी दिखा दूंगा। केमिकल के लिए 4600 रैंक है, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो वही 300 के आसपास स्कोर मान के चलिए कानपुर में, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर कानपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आप सभी 220 स्कोर मान के चलिए। अगर हम बात करें गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की सबसे कानपुर की सबसे फेमस ब्रांच मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल, तो इनमें एडमिशन 260 के आसपास स्कोर पर होने वाला है, ठीक है। चलिए इस पर 260 के आसपास होने वाला है। अगला है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में मैकेनिकल प्रोडक्शन, यहाँ पर 280 प्लस का स्कोर मान के चलिए, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में और कोई अच्छी ब्रांच मुझे दिख नहीं रही है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक कानपुर देहात, कानपुर देहात का भी मिल जाएगा, घबराओ नहीं, कानपुर देहात मिल जाएगा। झांसी है सिविल इंजीनियरिंग 3600, ठीक है, इलेक्ट्रिकल 2900 रैंक है, ठीक है, अच्छा कॉलेज है झांसी, इलेक्ट्रिकल 25,000 है, मैकेनिकल 13,000 है, प्रोडक्शन 13,994 है। अब अगला हमारा कॉलेज होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई गर्ल्स पॉलिटेक्निक झांसी। तो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कॉलेज को मत लेना, इस कॉलेज को आप सभी गर्ल्स मत लेना, ठीक है, गर्ल्स के लिए है तो गर्ल्स लेंगी, इस कॉलेज को मत लेना, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी अच्छी नहीं है, आप भी सेफ नहीं हो, ठीक है। तो इस कॉलेज का मैंने हिस्ट्री देख लिया है, तो इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि इस कॉलेज को गर्ल्स मत लेना, आप हमारी छोटे भाई बहन हो, ठीक है, इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस कॉलेज का मैं कट ऑफ भी नहीं दिखाऊंगा, आप सभी अगर देखना है तो देख लो, बाकी 70-80 नंबर पे मिल जाता है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एटा है, एटा पे 20,000 रैंक है मैकेनिकल के लिए। अगला हमारा एटा में कोई और अच्छी ब्रांच, चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ओराई जालौन सिविल 8,400 रैंक है, ठीक है। चलिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा यूपी का टॉप 6 का कॉलेज है, यूपी का टॉप 6 का कॉलेज है बांदा, सिविल 2600 रैंक है, तो आप सभी समझ सकते हैं कि 260 प्लस का स्कोर यहाँ पर मायने रखता है सिविल के लिए, ठीक है। चलिए अगला हमारा बांदा में इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल कंट्रोल है, जिसकी ब्रांच कट ऑफ गई है 7,900, इलेक्ट्रॉनिक्स 2600, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फर्रुखाबाद में कोई अच्छा ब्रांच है नहीं, तो इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है जिसकी 23,000 रैंक गई है, ठीक है। गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट कानपुर है, यहाँ पर लेदर ब्रांच है, तो जिनको लेदर का होगा देख लेना। अगला आता है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घाटमपुर कानपुर, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 8,700, मैकेनिकल मेंटेनेंस 15,000 और मैकेनिकल प्रोडक्शन 6,575। अब लाइव सेशन में हो तो जो भी मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल में तीन ब्रांच होती है मेरे सारे प्यारे साथियों, मैकेनिकल में तीन ब्रांच, प्रोडक्शन, ऑटो, कैड यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन और मेंटेनेंस। तो प्रोडक्शन A1 क्लास की ब्रांच है, जो कि मेरी ब्रांच है, ऑटोमोबाइल इससे सिमिलर है, और कैड और मेंटेनेंस थोड़ा लो लेवल की ब्रांचेज है, ठीक है। तो मैंने समझा दिया है, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। सिविल 15,000, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ललितपुर, ठीक है।
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ललितपुर के साथ साथ मैकेनिकल मेंटेनेंस का भी देखिए, ठीक है। अगर ललितपुर की बात करें और ब्रांचेस की, तो कंप्यूटर साइंस की महोबा आ गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा 58,000 रैंक, इलेक्ट्रिकल 9,700, इलेक्ट्रॉनिक्स 36,000। अगर सबसे हाई कट ऑफ किसी ब्रांच की जाती है तो वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जाती है। इलेक्ट्रिकल ब्रांच सबसे बेस्ट ब्रांच भी है और सबसे हाई कट ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रांच की जाती है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महोबा में इंफॉर्मेशन पे 89,000 रैंक पे एडमिशन हो गया है, प्रोडक्शन पे 21,000 रैंक पे एडमिशन हो गया है, ठीक है। श्री राम दवाल देवी गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक है, चलिए ये आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी, यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज है, ठीक है, चलिए उसको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा फिलहाल। गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक छगेरी महोबा है, इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंक है, यहाँ पर 80+ पे एडमिशन गर्ल्स को मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी गर्ल्स कॉलेज में 80-90 नंबर पे एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। चलिए, आरती प्रजापति, थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, मैं बता दूंगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक नारायणी बांदा इलेक्ट्रिकल के लिए 5,300 रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 44,000 है। अगला है मैकेनिकल प्रोडक्शन 14,000 है, इलेक्ट्रिकल 13,000 है। नारायणी बांदा नहीं, मानिकपुर चित्रकूट है, इलेक्ट्रिकल 13,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 66,000, मैकेनिकल 36,000, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हमीरपुर है, मैकेनिकल 23,000, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा कॉलेज होगा हमारा, आगे हमारा मेन कॉलेज आ जाता तो उसको दिखा देती मैं आप सभी को। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बारगढ़ चित्रकूट है, ठीक है, यहाँ पर 12,000 रैंक गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिल जाएगा सिविल वगैरह। मैकेनिकल प्रोडक्शन 29,000 है बारगढ़ चित्रकूट का, ठीक है। ललितपुर का भी कोई अच्छा खासा कट ऑफ है, 88,800 है, इलेक्ट्रॉनिक्स को 8,300 है, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सरसा हमीरपुर है, 19,000 रैंक है इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। चलिए अगला है महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानपुर देहात, मैकेनिकल के लिए 8,100 है, केमिकल के लिए 68,000 है, ठीक है। चलिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए है 7,600, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 7,600 रैंक है। अगला है महामाया पॉलिटेक्निक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कन्नौज है, मैकेनिकल के लिए मेंटेनेंस के लिए 58,000 है, ठीक है। चलिए आगे हम अपने कॉलेजेस की तरफ चलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ, जो भी हमारे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पूरी पीडीएफ में ही गवर्नमेंट कॉलेजेस देखने को मिल जाएंगे, और प्राइवेट जितने भी कॉलेज हैं सारे कॉलेज की पीडीएफ अपने पास अवेलेबल है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पीडीएफ यहाँ तक पहुंच चुकी है, तो घबराइए मत, आपका थोड़ा सा बचा है। गर्ल्स के लिए अच्छा कॉलेज है वाराणसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स की रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और फैशन टेक्नोलॉजी है, तो 100 नंबर अगर आपके हैं तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी आराम से एडमिशन मिल जाएगा। 188 नंबर पे तो लखनऊ का कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फतेहपुर है, सिविल के लिए 4,971 है, फतेहपुर मैकेनिकल प्रोडक्शन 13,000 है, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बस्ती का आ गया है, बस्ती इलेक्ट्रिकल 7,200, मैकेनिकल 12,000। यूपी का टॉप 3 का कॉलेज आ गया है, टॉप 4 का कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर, सर गोरखपुर का, अंकित सिंह गोरखपुर का सामने रखा है। केमिकल 8,000 है, सिविल 1,100 है, यानी केमिकल के लिए अगर 160 प्लस है तो मिल जाएगा, सिविल अगर आपका 260 प्लस है तो मिल जाएगा। चलिए सर, पीडीएफ कहाँ मिलेगा? अरे कोई नहीं, वीडियो देख लो मेरे प्यारे साथियों। इलेक्ट्रिकल सबसे बेस्ट ब्रांच है गोरखपुर की, यहां पर 280 प्लस पे मिल जाएगा। ऑटोमोबाइल 6,474 है, प्रोडक्शन 2,900 रैंक है, ठीक है। चलिए आगे हमारा गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर है, सिविल कंप्यूटर साइंस 13,000 रैंक है, इलेक्ट्रॉनिक्स 120 है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए 200 के आसपास स्कोर लाना पड़ेगा गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर के लिए, ठीक है। चलिए, ये गोरखपुर में अदर ब्रांचेज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 82,000 रैंक आई है, ठीक है, आराम से मिल जाएगा गर्ल्स पॉलिटेक्निक गोरखपुर में। अगला है गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज, तो जितने भी डी फार्मा के बच्चे हैं गर्ल्स में, वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। डी फार्मा गर्ल्स डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए अगर आपकी 345 रैंक है तो आपका एडमिशन हो जाएगा कहां पर? गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज में। अगला है गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मेजा प्रयागराज, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस है जो की अच्छी खासी रैंक है, तो 100 नंबर के आसपास रहेगा नंबर तो मिल जाएगा। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया एक अच्छा कॉलेज है, सिविल के लिए 6,500 रैंक गई है, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए 12,000 रैंक गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 30,000 है। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजीपुर कहाँ गए?
2300 रैंक गई है इलेक्ट्रिकल के लिए, प्रोडक्शन के लिए 9300 रैंक गई है। अगला सावित्री फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक आजमगढ़ 4300 है, इलेक्ट्रिकल 3500 है, ठीक है, और यहाँ पर मैकेनिकल प्रोडक्शन 8600 है, ठीक है। अगला हमारा डी फार्मा के बच्चे कहाँ गए, डी फार्मा का एक टॉप कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, ठीक है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच चलती है, 15000 रैंक है, और यहाँ पर चलती है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर में फार्मेसी, जिसकी क्लोजिंग रैंक 672 है। तो अगर आपकी रैंक 672 है तो आपको इवन ग्रुप में मिल जाएगा। अमन भैया मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर का बता दिया है, ठीक है, इसी वीडियो में। मिर्जापुर सिविल 1700, इलेक्ट्रिकल 2100, ठीक है, अच्छा कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है मिर्जापुर, मजाक में मत लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक 27000 है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 25000 है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्जापुर मैकेनिकल 4600 रैंक है, ठीक है। अब ये हमारे होम डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है, यानी मैं इसी सिटी से बिलोंग करता हूँ, प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मुरादाबाद में पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 42000 रैंक है, मैकेनिकल के लिए 18000 है, मेंटेनेंस के लिए 29000 रैंक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1,82,000 है। यह है बलिया का है, ठीक है, यह गर्ल्स पॉलिटेक्निक बलिया का है, तो 100 नंबर के आसपास है, तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक बलिया में एडमिशन मिल जाएगा सबका। महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर एडेड कॉलेज है, कैसा कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, ठीक है, एडेड कॉलेज में एडमिशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 4300 रैंक है और सेकेंड शिफ्ट बंद कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल प्रोडक्शन की, तो मैकेनिकल प्रोडक्शन यहीं पर कहीं होगा, उसकी क्लोजिंग रैंक है 47000, प्रोडक्शन के लिए 12000 है, ठीक है, और यहीं पर ऑटोमोबाइल शायद ब्रांच यहां पर नहीं चलती है, प्रोडक्शन ब्रांच चलती है। अगला है टाउन पॉलिटेक्निक बलिया, इलेक्ट्रिकल 47 रैंक, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल 37000, ठीक है, ये भी एडेड कॉलेज है। टाउन पॉलिटेक्निक बलिया कैसा कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, मैकेनिकल 15647 रैंक है, ठीक है। चलिए टाउन पॉलिटेक्निक बलिया का लेटरल एंट्री का देख लीजिएगा। चंदौली पॉलिटेक्निक सिविल 8600, इलेक्ट्रिकल 3600, क्योंकि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सबके बाप कॉलेज होते हैं, बढ़िया पढ़ाई कराते हैं लोग, ठीक है, 57000 है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपको एडेड कॉलेज मिल जाता है तो डरने की बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मैकेनिकल प्रोडक्शन 11000 रैंक, ठीक है। हड़िया पॉलिटेक्निक प्रयागराज, ये भी एडेड कॉलेज है, 7500 क्लोजिंग रैंक है सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए 7100 क्लोजिंग रैंक है, मैकेनिकल प्रोडक्शन है 22-23000 रैंक, ठीक है। चलिए ज्योतिबा फूले गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौशाम्बी, इलेक्ट्रिकल 7200 रैंक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 5600 है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मऊ 28000 रैंक है, ठीक है, और यहाँ पर टेक्सटाइल ब्रांच है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। महामाया पॉलिटेक्निक हमीरपुर गोरखपुर है, इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी है 4400, कंप्यूटर 84000 है, आईटी ब्रांच है 1,15,000, ठीक है। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो में इतना था, अब आप सभी जो पूछना चाहते हो पूछ लो, फटाक से कमेंट करो, जिसको जो पूछ रहे हैं पूछ लीजिए, कमेंट करिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। सोनभद्र मैकेनिकल प्रोडक्शन देख लो, मैकेनिकल प्रोडक्शन 19000 है। सर 288 में कौन सा कॉलेज सिविल मिल जाएगा, सिविल लखनऊ मिल जाएगा, मूवी की दुनिया। 144 नंबर है, आपको मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल जाएगी, चांद टीवी अच्छा कॉलेज है। सर 308 मार्क्स है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, मुरादाबाद में आपका वेलकम है, ठीक है, मेरा ही कॉलेज है तो वेलकम है। अगला है प्रतापगढ़ में कितना नंबर पे मिलेगा, प्रतापगढ़ आपका 150 नंबर पे मिलने लगेगा, जयप्रकाश 116 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ओम जय कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है गोरखपुर, 196 नंबर पे कम चांसेज है, मुनिंदर वर्मा मिल जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदीप चौधरी सिविल का सेफ जोन कितना है, 200 नंबर सिविल का सेफ जोन है, 328 इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, सूरज सिंह इंडियन आर्मी। बलिया का टाउन पॉलिटेक्निक 208 पे मिल जाएगा, 172 पे गोरखपुर राजकीय कम चांसेस है मिलने का, अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा। सरकारी कॉलेज 188 पे पंकज मिल जाएगा बच्चे, 200 मार्क्स पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिल जाएगा, मैकेनिकल ब्रांच मिल जाएगा, अजय सिंह हमारे विष्णु भाई है लगता है, 308 नंबर, ठीक है। चलिए जौनपुर ब्लॉक, सर 144 में कौन सा मिलेगा मैकेनिकल,
अरे बहुत तेजी से कमेंट कर रहे हो भाई, प्रिंस कह रहे हैं प्रिंस। 176 पर कितना रैंक बनेगा? 176 पर आप सभी का रैंक बनने वाला है अप्रोक्स 17,000 के आसपास। चलिए 190 पर सिविल मिल जाएगा लखनऊ में, 80 कॉस्ट सिंह, लकी सिंह मिल जाएगा, घबराना नहीं। चलिए और किसी का कोई, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ 340 मार्क्स, अंकित पटेल मिल जाएगा 172 पे। अरे भाई साहब बार बार वही पेस्ट कर रहे हो। 150 पर मिल जाएगा टेक्निकल, ब्राह्मण मिल जाएगा, ब्रदर मिल जाएगा, घबराओ नहीं सर। 140 नंबर पर सीएससी ब्रांच मिलेगा, एससी कैटेगरी से हूं, मिल जाएगा, घबराओ नहीं। ठीक है सर, कानपुर में कौन सी ब्रांच बेस्ट है? मैकेनिकल ब्रांच बेस्ट है। अंजलि यादव 100 नंबर पे रैंक, 100 नंबर पे 48,000 रैंक मान के चलो। नीलम यादव 224 पर इलेक्ट्रिकल, 100% मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज में मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है सर। कानपुर में, अरे भाई 222 पर सिक्योरिटी मिल जाए, ये क्या है साइबर सिक्योरिटी क्या? अच्छा कोई ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी, ओहो। कानपुर आशीष कुमार श्रीवास्तव मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है 252 नंबर पर राहुल कुशोरवानी मिल जाएगा, अमन तिवारी 116, रुपेश पीडीएफ 128, सीएस मिल जाएगा, मिल जाएगा, प्रिंस मिल जाएगा, अवध राय आपको भी अच्छा कॉलेज दिलवाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है जीबी पंत सचिन यादव मिल जाएगा। ठीक है सर मेरा 120 आया है, हमको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल्स कॉलेज मिल जाएगा, मिल जाएगा, घबराओ नहीं। ठीक है बंधन ठाकुर 100 पर कौन सा रैंक आएगा सर? 152 पे, 152 नंबर पे जो रैंक आती है वो लगभग आ जाती है मान के चलिए 18,000 के आसपास, 18-20,000 रैंक। ठीक है सर मेरे 120 है, हमको मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से कोई कॉलेज मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। चलिए 168 लखनऊ, सीएस नहीं मिल पाएगा 168 पे, और अच्छा थोड़ा सा नंबर होना चाहिए था। और 188 पर रैंक कितना होगा और कहां मिल जाएगा? अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, घबराना नहीं। ग्रुप सी 180 पे मिलेगा, हाँ मिल जाएगा। पे गोंडा रैंक आने दीजिए, गोंडा के बारे में बता देंगे, घबराओ नहीं। ठीक है रैंक आने दीजिए, मैं गोंडा के बारे में बता दूंगा। जो बच्चे एक बार पूछ चुके प्लीज कमेंट ना करें। लाइफ स्ट्रगल 222 पर डिफार्मा गवर्नमेंट कॉलेज, अभी रैंक आने दीजिए लाइफ स्ट्रगल, अगर 600 रैंक के अंतर्गत आती है तो मिल जाएगा। 136 पर गाजियाबाद सीएस, बहुत कम चांसेस है मिलने के। ठीक है चलिए, इतनी जोरों से कमेंट कर रहे हो आप सभी, क्या ही बताऊं आप सभी को। नोबिता का कहना है कि 140 पर सर प्लीज बता दो, मिल जाएगा 140 पे, मिल जाएगा। दिव्यांग को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अच्छे कम नंबर पे दिव्यांग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है पंकज शुक्ला 340 पर रैंक कितना होगा? 340 पर रैंक जो होगी आप सभी की होगी 400 रैंक के आसपास होगी। 266 पे रैंक, 266 पे रैंक पूछ रहे हो आप सभी, 266 पे जो रैंक बनने वाली है लालसा प्रसाद 188 पे मैकेनिकल मुरादाबाद मिल जाएगा, मिलने की उम्मीद है, ऐसा नहीं कहूंगा कि मिल ही जाएगा। अमन इतने पर नहीं मिल पाएगा। मूवी की दुनिया मीटअप कर रहे हैं, मीटअप आपके कॉलेज में आके मीटअप करेंगे, घबराओ नहीं। 136 पर रैंक, वही आप 44,000 रैंक मान लो, 40-44,000। 180 पे सीएस मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसका पर्सनल डाउट नहीं सॉल्व हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, मैसेज कर लो, रिप्लाई कर दूंगा टाइम निकाल करके, इंस्टाग्राम का लिंक रखा है। बाकी ऐसे पूछते रहो, मैं रिप्लाई करता रहूंगा आप सभी का। ठीक है घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप सभी पूछते रहो, मैं रिप्लाई कर रहा हूं, थोड़ा सा एक सब्र बनाकर रखिए। ठीक है कह रहे हैं सर डी फार्मा है, 140 नंबर मिल जाएगा लखनऊ में गवर्नमेंट कॉलेज। लखनऊ में कहां है गवर्नमेंट कॉलेज भाई डी फार्मा का? लिफ्टर मोटिवेट 250 पे कौन सी रैंक बनेगी? 250 पे रैंक बनेगी अप्रोक्स मान के चलो, वही 250 पे रैंक मान के चलो आप सभी कि वही 3500 रैंक के आसपास मान लो, 250 पे रैंक 3500 से 3000 के। ठीक है
204 नंबर पर कानपुर मैकेनिकल, टाइम लगेगा, पहले रैंक आने दो फिर पता चल जाएगा। सर मेरा 145 से सरकारी मिल जाएगा, बिल्कुल यादव संगम मैं दिलवाऊंगा। जिनके 120 के प्लस स्कोर है, 120 के भी, 120 के आसपास, 120, 130, 140, 150, मैं दिलवाऊंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं कॉलेज दिलवाऊंगा, मैं परेशान ना होइए, मैं कॉलेज दिलवाऊंगा। हरिओम सिंह 224 पे रैंक मैंने बता दिया है, 224 पे 4600 रैंक बन जाएगी। 188 पे देखिए, हेलो दोस्तों एक मिनट, वेलकम, हेलो हेलो, जरा कमेंट करना थम जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं मेरे प्यारे साथियों, जितने कमेंट कर रहे हो जरा थम जाओ, ठीक है, एक मिनट थम जाओ। जितना नंबर आपने, जितना नंबर आंसर की में आया है, जितना आंसर की में आया है उससे 20 प्लस स्कोर मान के चलिए कि बढ़ेगा, 20 नंबर बढ़ेगा आप सभी का। थम जाओ मेरे प्यारे साथियों, सुन लो, जितना आपके आंसर की में आया है उससे ज्यादा आप सभी को 20 नंबर प्लस देखने को मिलेगा। घबराने की जरूरत नहीं, जितना आपके आंसर की में आया है उससे 20 नंबर प्लस देखने को मिलेगा। जल्दी से सर, मुझे 212 नंबर है, गाजियाबाद मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, गाजियाबाद मिल जाएगा, बिल्कुल प्रिंस यादव मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर की दुनिया मिल जाएगा। अच्छा कहाँ का मिल जाएगा, लो लेवल का कॉलेज मिल जाएगा, जैसे आपका संजय गांधी पॉलिटेक्निक जगदीशपुर हो गया, एडेड कॉलेज मिल जाएगा, प्रतापगढ़ मिल जाएगा, देवरिया मिल जाएगा, शाहबाद रामपुर मिल जाएगा, कुशीनगर मिल जाएगा, अवनीश कुमार मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चंद्र प्रकाश तिवारी लखनऊ 100% आपका लिखा हुआ है, सी एस श्रीवास्तव जी ग्रुप का, अब जी ग्रुप का तो फिलहाल अभी तो कट ऑफ, ऑफिशियल कट ऑफ निकाल कर बताना पड़ेगा, ठीक है आपको। चलिए ई आर सोमिल मिलेगा 280 पर कानपुर, मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा 280 पे कानपुर, बिल्कुल मिलेगा आपको। नितिन ऑफिशियल, देखिए जिन स्टूडेंट्स का कमेंट रुक जा रहा है या नहीं बता पा रहा हूं उनका थोड़ा सा, सर मेरा डीफार्मा 172 है, गवर्नमेंट इलाहाबाद मिल जाएगा, सरिता पांडे शायद उम्मीद है कि मिल जाए, लेकिन इतनी उम्मीद मुझे नहीं है क्योंकि लगभग डीफार्मा में एडमिशन के लिए 250 नंबर के आसपास मान के चलिए। चलिए मैं कमेंट रोकता हूं। निदा खान डी फार्मा के लिए 104 नंबर पर नहीं मिल पाएगा, अजीत कुमार मिल जाएगा, मैं कमेंट रोक करके पढ़ रहा हूं, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। स्वतिक कुमार 124 नंबर है, मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मिल जाएगा। सौरभ 200 प्लस पे कानपुर, लो लेवल की ब्रांच शायद कोई मिल जाए कानपुर। आयुष सिंह मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगला कॉलेज है सर 312 से इलेक्ट्रिकल लखनऊ मिल जाएगा, राय लर्निंग ऑफिशियल मिल जाएगा। शिवम यादव 260 K2 ग्रुप रैंक, रैंक कोई 400 के अंदर, 400 कह रहा हूं, 260 नंबर है ना, तो आपका 180 या 200 नंबर रैंक आ जाएगा शिवम यादव, ठीक है। शिवम कुशवाहा पूछ रहे हैं सिविल ब्रांच मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, ठीक है। कृष्णा कुमार इतने पर नहीं मिल पाएगा गाजियाबाद, विनीत 176 पर सीएस कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा। चलिए केतन ऑनलाइन कोर्सेज टॉप 20 गवर्नमेंट कॉलेज, हाँ मिल जाएगा, टॉप 10 मिल जाएगा, केतन टॉप 10 मिल जाएगा। विराज क्रिएशन सिविल ब्रांच मिल जाएगा या बिल्कुल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं, सिविल ब्रांच मिल जाएगा। बान बेबर पर कोई कॉलेज, बान बेबर भी कोई कॉलेज मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। आयुष पांडे देख लीजिएगा, देख लूंगा, 128 पे रैंक, 128 पे रैंक वही मान के चलो कि 50,000 के अंतर्गत आ जाती है 128 पे रैंक। चलिए और किसी का, नितेश 180 पर कितनी रैंक बनती है, 180 पे 14,000 रैंक बनती है लल्ला। चलिए और 164 पे सिविल मिल जाएगा, सत्यम कुछ करके है उनका नाम, मिल जाएगा, घबराओ नहीं। जयप्रकाश कौन सा कॉलेज मिलेगा, लो लेवल का कॉलेज मिल जाएगा, वही अपना क्या नाम है, गवर्नमेंट बस जो बरेली है, बरेली के जो दूसरा वाला कॉलेज है वो मिल जाएगा, ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे, नूरपुर बिजनौर मिल जाएगा, प्रतापगढ़ मिल जाएगा। सर 100 पर भी मिल जाएगा, घबराओ नहीं, 100 पर भी मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मृत्युंजय 300 पर मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
आप सभी का कोई भी ऐसा डाउट हो जो कि बढ़िया डाउट हो तो मैं सॉल्व करूं, 150 पर 80 से ज्यादा मिल जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है। कौन से शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ था? लास्ट के 3 शिफ्ट, फर्स्ट डे लास्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड हुआ था, सेकंड डे लास्ट शिफ्ट और थर्ड डे लास्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इनका स्कोर बढ़ने वाला है। स्कोर जो है वो बढ़ने वाला है, इनका स्कोर बढ़ने वाला है, इन बच्चों का स्कोर बढ़ने वाला है। ठीक है, घबराओ नहीं, अवनी श्रीवास्तव तो मिल जाएगा, जयप्रकाश, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। मैं आपको वीडियो बनाकर समझा दूंगा कि कौन सा कॉलेज चाहिए। प्लीज बताइए सर क्या रैंक होगी 108 पे? 108 पे रैंक अप्रोक्स हो जाएगी, 60,000 के रैंक आसपास रैंक हो जाएगी। चलिए, एजुकेशन बाबा सिविल इंजीनियरिंग 116 नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग के चांसेस बहुत कम रहते हैं लल्ला। 270 पे इलेक्ट्रिकल लखनऊ मिल जाए। एक बार अगर आपका मैंने नाम ले लिया है तो आप प्लीज और बच्चों को मौका दीजिए, प्लीज यार समझा करो मेरे प्यारे साथियों। चलिए, ईआर सुमीर बिलेगर 280 नंबर पर कौन सी रैंक मिलेगी? 280 नंबर पर वही रैंक बनने वाली है 1000 के अंतर्गत। ठीक है, सत्यमदीप तिवारी कह रहे हैं, हमारे लल्ला कह रहे हैं सत्यमदीप तिवारी, इनका कहा गया सर 340 पे क्या रैंक बनेगा? 400 रैंक बनेगा। आरती प्रजापति 140 पे गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक लखनऊ मिल जाएगा, सीएस ब्रांच या आईटी ब्रांच। सर एक ग्रुप 140 पर प्रतापगढ़ मिल जाएगा, बिल्कुल, मुझे प्रतापगढ़ के बारे में बहुत नॉलेज है, घबराने की जरूरत नहीं है, फिलहाल मैं प्रतापगढ़ का ही हूं तो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अवनीश श्रीवास्तव कह रहे हैं कि 170 पर गाजीपुर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। मिल जाएगा, ओम जय मिल जाएगा, घबराओ नहीं। अच्छा चलो, सारे बच्चे का मैं आंसर दे रहा हूं, 188 होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा। होम डिस्ट्रिक्ट का क्या लॉजिक है, कहीं भी पढ़ो, मैं तो कहता हूँ पूरे यूपी में चाहे जहां पढ़ो तो अपने घर से बाहर निकल कर पढ़ो। विपिन प्रजापति मिल जाएगा, सिविल शिवम यादव मिल जाएगा, कानपुर नहीं मिलेगा शिवम यादव, घबराओ नहीं। जतिन धीमान है, K4 मिल जाएगा, घबराओ नहीं। 188 पे गर्ल्स को मिल जाएगा आरती प्रजापति, बॉयज को नहीं मिलेगा, राकेश कुशवाहा हो जाएगा आपका काम भी। अच्छा ये बताओ मेरे प्यारे साथियों कि कौन शाम 7 बजे जुड़ने वाला है मेरे साथ, कोई ऐसा स्टूडेंट जो शाम के 7 बजे जुड़ने वाला हो? मैं आपके डाउट सेशन के लिए शाम के 7 बजे लाइव आऊंगा, तो क्या आप सभी जुड़ोगे? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप सभी शाम के 7 बजे लाइव आने वाले हैं? अभी मैं कमेंट का रिप्लाई करता रहूंगा, घबराओ मत, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा, सुपर ज्ञान, कितने बच्चे जो शाम के 7 बजे आने वाले हैं, क्योंकि मैं शाम के 7 बजे लाइव आऊंगा 2 घंटे के लिए, और इस बार मोबाइल से लाइव आऊंगा। मेरे प्यारे साथियों आज मेरा हैप्पी बर्थडे है, ठीक है, आज मेरा 21वां जन्मदिन है जो मैं आप सभी के साथ लाइव सेशन पर हूं, और आप सभी का प्यार है कि मुझे 150 के आसपास बच्चे लाइव देख भी रहे हैं, और आज जन्मदिन की खूबसूरत शाम के साथ मैं आप सभी के कमेंट का आंसर दे दूंगा। तो आप सभी शाम 7 बजे मेरे साथ जरूर 2 घंटे के लिए लाइव आइए, आपका जो भी डाउट होगा मैं कंप्लीट तरीके से पूरा करूंगा, शाम के 7 बजे लाइव पूछताछ के लिए, शाम के 7 बजे लाइव पूछताछ में जुड़ सकते हैं आप सभी, शाम के 7 बजे कौन जुड़ना चाहेगा? सर 168 पर गाजियाबाद मैकेनिकल नहीं मिलेगा। चलिए, आयुष राजपूत मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सुपर ज्ञान थैंक यू सो मच, सरिता पांडे थैंक यू सो मच, आरती थैंक यू सो मच, यादव संगम एंड अदर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच, आशीष यादव इतने पर नहीं मिल पाएगा, आयुष सिविल कोई ना कोई जगह मिल जाएगी। ठीक है, और इतने बच्चों ने मिस कर दिया है कि मैं आप सभी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, सबको दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा।
EWS का बहुत बड़ा फायदा है मेरे प्यारे साथियों, EWS का बहुत फायदा है, जान रहे हो? EWS जरूर लगाइएगा, जनरल वाले 9000 सीट बढ़ गई है सर, 116 पर मिल जाएगा, बस्ती मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल नहीं मिलेगा तो कोई और मिलेगा, 110 पर कोई ना कोई कॉल मिल जाएगा, मोहम्मद आरिफ, आदित्य पांडे 106 पे, 168 पे गाजियाबाद नहीं मिल पाएगा, 188 सिविल मिल जाएगा अरबाज, विकास 284 मिल जाएगा, ठीक है चलिए सर, 108 पे सरकारी कॉलेज 100% गर्ल्स के लिए मिलेगा, गर्ल्स के लिए 80 नंबर के ऊपर सरकारी कॉलेज रखा हुआ है, संदीप कुमार वर्मा 130 पे सिविल कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी, यशपाल सिंह गाजियाबाद 200 पे मिल जाने की उम्मीद है, इलेक्ट्रॉनिक्स 100% मिल जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, गुप्ता विकास 160 पे मैकेनिकल ब्रांच कहां मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा देवरिया और अदर स्टूडेंट्स अदर जगह पर, 134 पे 46,000 रैंक जयप्रकाश मान के चलो, हर्षित मिल जाएगा, आरती प्रजापति जब तक रैंक नहीं आ जाती है तब तक किसी चीज को कंफर्मेशन नहीं ले सकते, सक्सेस मास्टर 124 पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, एक मिनट जरा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ऐसे कमेंट करते रहिएगा, मैं एक छोटा सा काम ऐसे कर दूं, छोटा सा काम का मतलब है मुझे प्यास लग गई है घंटे से बोलते बोलते, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं जरा सा पानी पी लूं, उसके बाद आप सभी की रिप्लाई करूंगा, ठीक है चलिए, और ये रहा आपका, चलिए बताइए सभी बच्चे, सर एक ग्रुप में 120 नंबर कानपुर का गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा, इलेक्ट्रिकल मिल जाएगा मिराज, सिविल इंजीनियरिंग 208 पर मिल जाएगा, रिजल्ट कब आएगा पूछ रहे हैं, रिजल्ट बहुत सही क्वेश्चन, आपका रिजल्ट कब आएगा कौन जानना चाह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कौन जानना चाह रहा है, तो आपका रिजल्ट 16 तारीख 8वां महीना 2023 को आएगा, रिजल्ट 16 तारीख 8वां महीना 2023 को आएगा, अमर कोई ना कोई कॉलेज तो जरूर मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है अमर दम नहीं छोड़ना है, अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे यूं थक कर न बैठ के सरकारी कॉलेज के मुसाफिर, सरकारी कॉलेज भी मिलेगा और पढ़ने का मजा भी आएगा, हमने भी एक टॉप सरकारी कॉलेज फोड़ा है और आप भी फोड़ोगे, अरमान अरमान सिंह मिल जाएगा, 124 पे रैंक 50,000 के ऊपर ही बनने वाली है, 212 पर श्याम कमलेश कुशवाहा मिल जाएगा, सक्सेस मास्टर मिल जाएगा, अंश सिंह इलेक्ट्रिकल कोई ना कोई मिल जाएगा, विशाल कानपुर के लिए थोड़ा सा संशय बना हुआ है, 188 पर रैंक 14,000 रैंक, SSC लाइव 252 आया, कांग्रेचुलेशंस जयप्रकाश, थैंक यू सो मच, सत्यम थैंक यू सो मच, राम राम, 128 में कंप्यूटर साइंस मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, मोहम्मदाबाद मिल जाएगा संदीप घबराउनी, जयप्रकाश थैंक यू सो मच, 196 पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, गर्ल्स बिल्कुल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है सर, 96 पे मिल जाएगा बिल्कुल 100% मिल जाएगा, मोनिका गोयल प्रॉमिस कर रहे हैं सभी से, लड़कियों के लिए 100 नंबर के अंदर अगर हो भी तो आपको आराम से मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, चलिए अमन श्रीवास्तव 170 पर रैंक 17,000 रैंक मान के चलिए, पहले राउंड से कराना 160 नंबर पे काउंसलिंग, 100% नेहा पांडे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, प्रिंस कह रहे हैं कि 128 पे कंप्यूटर साइंस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, प्रशांत आपको भी मिल जाएगा ग्रुप के से, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है मूवी की दुनिया 288 नंबर है तो 300 नंबर मान लो आप, क्योंकि थर्ड शिफ्ट का पेपर टफ होता है, अरे मैंने केपी स्टडी आपको कह दिया कि मिल जाएगा 100%, 336 पर रैंक 700 रैंक मान के चलो या 700 से कभी 500 के अंतर्गत रैंक मान लो, कानपुर नहीं मिल पाएगा आयुष राजपूत,
प्रदीप चौधरी 208 पे सिविल मिलेगा, 100% मिलेगा। सर कौन सा ब्रांच मिलेगा? आप कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच ले सकती हैं, और भी ब्रांच मिल जाएगी। अभिषेक सिंह 150 पर मिल जाएगा, 188 गर्ल्स के लिए मिल जाएगा। नितिन कुमार मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी का नीतू उपाध्याय 222 पर, 32 पर गाजियाबाद, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। अच्छा एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, जयप्रकाश 46,000 रैंक बना लो, ठीक है, लगभग बन जाती है। रिजल्ट आप सभी का 16 को आ रहा है, ठीक है। मैं आप सभी को इस लाइव सेशन में बता रहा हूं, जितने प्यारे साथी मुझे सुन रहे हैं, यूपी का ऐसा कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है जहां पर मेरे साथी नहीं पढ़ रहे हैं। यानी आपके सीनियर कोई भी कॉलेज में जाओगे आप सभी यूपी के, तो वहां पर ज्ञान भी सचिन का डंका बजा हुआ है पहले से, क्योंकि मैं फर्स्ट सेमेस्टर को पढ़ाता हूं बहुत ढंग से। तो आपके सभी सीनियर्स लगभग नोट्स खरीद चुके हैं हमारे, तो ये बात का ध्यान रखिएगा कि यूपी के किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाओगे, मैं वहां के स्टूडेंट्स का नंबर दे दूंगा और आराम से आप एडमिशन करा लेना। ये मेरे तरफ से आपको जन्मदिन की गिफ्ट रहेगी, मेरे तरफ से जन्मदिन की, आज के हमारे जन्मदिन की तरफ से गिफ्ट है कि यूपी के किसी भी सरकारी कॉलेज में आप जाओ, उस सरकारी कॉलेज के गर्ल्स हो या बॉयज, सबका अपने पास कॉन्टेक्ट अवेलेबल है, कुछ बच्चों का, जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आप आराम से एडमिशन करा लेना। रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग किया जाता है, घबराओ नहीं, रिजल्ट आने तक आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अभिषेक सिंह नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल पे। बीके सैनी सहारनपुर कंप्यूटर साइंस, लास्ट राउंड, फोर्थ राउंड तक मिल जाएगा सैनी जी। पर टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे। नंबर दो सर, जब तक किसी का अलॉटमेंट रिजल्ट हमारे तक नहीं आएगा तब तक नंबर नहीं मिलेगा, घबराओ मत। किसी को पर्सनली कोई डाउट रहेगा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का पेज, या आप ज्ञान सचिन सर्च कर सकते हो, ज्ञान सचिन U419, ये हमारा इंस्टा आईडी है, ठीक है। आप ज्ञान भी सचिन सर्च कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम मिल जाएगी। आजाद कुमार मिल जाएगा, घबराओ नहीं, अंकित पटेल हो जाएगा, सूर्य प्रकाश लखनऊ CS मिल जाएगा। 168 पे रैंक, 15,000 रैंक मान के चलो, 15,000 से 20,000 के बीच में ही आएगी। सत्य प्रकाश मिल जाएगा, 180 पर कौन सी रैंक बनेगी, वही 13,000-12,000 रैंक बनेगी। केमिकल इंजीनियरिंग की बहुत कम कट ऑफ, लो कट ऑफ जाती, मिल जाएगा। आयुष द्विवेदी आपको भी मिल जाएगा, अंश सिंह मिल जाएगा, 204 नंबर पे, वही आप 9,000 के आसपास रैंक मान सकते हो। आयुष राजपूत, मैं गर्ल हूं, 132 कानपुर। देखिए कानपुर में अलग अलग ब्रांच है, कौन सी ब्रांच है ये उसको बताइए आप। सूर्य प्रकाश 270 लखनऊ मिल जाएगा। अनुज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं है, अनुज गुप्ता है, गाजियाबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं है। हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ, हां अगर आप सभी के 300 नंबर है तो आप हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ लीजिएगा, ना कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ लीजिएगा। कौन सा कॉलेज लीजिएगा? हीवेट पॉलिटेक्निक लखनऊ लीजिएगा आप सभी। अगर आपका मिल जाएगा अपग्रेड संकल्प, गाजियाबाद मिल जाएगा। भोजपुरी शॉर्ट 100 नंबर मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई। श्याम कुशवाहा, सत्य प्रकाश कितना रैंक बनेगा? 344 पे 250 रैंक, 300 पे 600 रैंक, 164 पे गेमिंग मिल जाएगा, घबराओ नहीं।
रिजल्ट के तुरंत बाद ही काउंसलिंग करना है, रिजल्ट के तुरंत बाद। 300 पर रैंक मैंने बता दिया, सौरभ 220 पर मिल जाएगा, सत्यम मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 100 नंबर पर कितनी रैंक, 48 से 50 हजार रैंक। 196 पे लगभग 12 हजार रैंक, नहीं मिल पाएगा। ऋषि कुमार सिंह, एमडी रेहान 50 हजार रैंक, यूनिक गर्ल, ग्रुप A1 लखनऊ मिल जाएगा, उम्मीद करता हूं कि नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल क्रिकेट लवर मिलेगा, मैं भी क्रिकेट का प्यारा हूं, प्यासा हूं, मतलब थोड़ा सा लाइक करता हूं क्रिकेट को। चलिए, अब कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे कॉलेज में आना चाहते हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुरादाबाद में आना चाहते हैं, जहां का मैं फाइनल ईयर का छात्र हूं, यूपी का शानदार कॉलेज है मुरादाबाद, यूपी का एक टॉप सरकारी कॉलेज है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद, कौन आना चाहता है भाई? डीजे पॉलिटेक्निक बागपत मिल जाएगा। विनीत कुमार, पहले राउंड से काउंसलिंग करानी है। सौरभ कुमार, मिलने की उम्मीद है। दीपिका प्रजापति, फार्मेसी का कॉलेज, तीन कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जौनपुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लाखिमपुर और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक प्रयागराज। ध्रुव पांडे सर, अरे भैया पूरी तरीके से कर लिया करो कमेंट, मिल जाएगा, यू आर द डे, सक्सेस मिल जाएगा, सौरभ मिल जाएगा। मोटिवेशनल चाचा मिल जाएगा। 250 पे जो आयुष रैंक बनती है वो अप्रोक्स जो रैंक बनती है वो मान के चलिए 1500 से 2000 के आसपास रैंक बनती है। शाम 7 बजे लाइव पूछताछ में जरूर जुड़िए। डियर सर, 400-134 नंबर है अभी चौधरी का, कोई ना कोई अभी चौधरी कॉलेज आपको दिलवाने की कोशिश करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 152 पे रवि मिश्रा मिल जाएगा, पीयूष राणा मिल जाएगा सरकारी 100%। जिन मेरे प्यारे साथियों का मैं कमेंट का आंसर एक बार में नहीं दे पा रहा हूं वो प्लीज निराश ना हो, मैं आपके सबके कमेंट का आंसर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर समय लग रहा, आशुतोष यादव मिल जाएगा कॉलेज सिविल मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद आ जाइए, आशुतोष यादव मुरादाबाद आ जाइए आप, मैं आपको मुरादाबाद बुलाता हूं अपने पास। बिहार वालों की काउंसलिंग 4th राउंड से होगी। यू आर द डे मिल जाएगा, बार बार आपकी रैंक नंबर बदल रहा है, यू आर द डे। यूनिक गर्ल मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मोटिवेशनल पीडीएफ तो मैं कल अभी दोपहर शाम के 7 बजे दिखाऊंगा। आशीष यादव, कोई ना कोई आशीष यादव कॉलेज मिल जाएगा। अनुज गुप्ता सर, अगर जो कॉलेज हमें अलॉट होगा और पसंद नहीं आया तो क्या करना होगा? अरे वाह, क्या पूछा है हमारे लल्ला ने, क्वेश्चन पूछा है हमारे लल्ला ने। अगर आपको कॉलेज पसंद ना आए तो क्या करना होगा? फ्लोट करना होगा, और अगर आपको पसंद आ जाए तो फ्रीज करना होगा, फ्रीज, ठीक है। चलिए, प्रिंस ब्रो, मैं लिस्ट तैयार करूंगा, कम नंबर वालों के लिए लिस्ट तैयार कर रहा हूं। 200 पे मिलेगा, जनरल से हूं सर, जनरल से सर मिलेगा, जनरल हूं, 112 गाजियाबाद, बढ़िया ब्रांच चाहिए, अपग्रेड संकल्प का मिल जाएगा, बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। कानपुर आयुष नहीं मिलेगा, नितेश नहीं मिल पाएगा इतने पे, कोई और कॉलेज देखिए। स्टडी अच्छा मिल जाएगा, अच्छा, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, स्टडी सक्सेस भाई चंदन, कोई दिक्कत नहीं है। प्रियांशु वर्मा 100+ है, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा सबको कॉलेज मिलेगा। हाँ, बिहार वालों के लिए अलग से कोटा रहता है, घबराने की जरूरत नहीं है। आदित्य पांडे मुरादाबाद नहीं मिल पाएगा, 168 नंबर पर।
बंधन ठाकुर मिल जाएगा मेरे साथी, रवि और पावरफुल माइंड सबको मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं। टीटीआई गेमिंग मिलेगा, घबराने मत, टीआईटीआई गेमिंग जो भी है। नहीं मिल पाएगा मोहम्मद आरिफ, आदित्य मिल जाएगा 100% प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, पावरफुल पॉइंट मिल जाएगा। लाइम टेलेस क्या है भाई इनका, टेलीग्राम पर सेंड पीडीएफ, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। मोनिका गोयल मैंने आपको रिप्लाई तभी भी कर दिया था, मिल जाएगा, गाजियाबाद नहीं मिल पाएगा, आर्मी कोटा का मुझे लॉजिक पता नहीं है। बिल्कुल अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग कट ऑफ होती है मेरे प्यारे साथियों। इतनी देर से मैंने क्या दिखाया आपको कि किसी कॉलेज का हाई कट ऑफ जा रहा है, किसी कॉलेज का कम कट ऑफ, किसी ब्रांच का हाई कट ऑफ, किसी ब्रांच का कम कट ऑफ, ठीक है। फोर्थ राउंड काउंसलिंग का भी शेड्यूल आएगा, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा मेरे प्यारे साथियों, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, घबराने की जरूरत नहीं, काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा, आप सभी के काउंसलिंग का शेड्यूल आने वाला है। चलिए देखिए 99 लोग देख रहे हो और लाइक कोई नहीं किया है, प्लीज यार दिल से लाइक करो यार, इतने बच्चों को मैं रिप्लाई कर रहा हूं यार, आप सभी का रिप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। 200 नंबर पे रामपुर में इलेक्ट्रिकल आकाश कुमार मिल जाएगा, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, आप चूज कर लेना, शंकर, बस शंकर शर्मा चूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा। ऋषि कुमार सिंह आपको चूज करना है, मिल जाएगा। 120 पर प्रियस कुमार मिल जाएगा, अंकित मिश्रा, हाँ 224 पर अयोध्या मिल जाता है, अंकित पाल सिविल ब्रांच कट ऑफ लखनऊ, सिविल ब्रांच के लिए 500 रैंक चाहिए सिविल ब्रांच लखनऊ में, यानी 300 नंबर। अक्षी देसवाल 144 नंबर है, मिल जाएगा मेरे साथी, घबराने की जरूरत नहीं है। विशाल प्रसाद कोई ना कोई कॉलेज तो मिल जाएगा। वॉरियर गेमिंग सिविल मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। सोमिल विलेगर कानपुर इलेक्ट्रिकल के लिए 1000 रैंक चाहिए, यानी आपका रैंक नंबर 280 होना चाहिए। कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। आयुष राजपूत, सोनू सिंह 292 पे, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टॉप का कॉलेज। रवि अहिर क्रिएशन 180 मिल जाएगा। सर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, मेरा 45 क्वेश्चन सही। यांशिका सिंह आप गर्ल्स कैटेगरी से हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको एक अच्छा सा कॉलेज दिलवाने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। दो सौ 48 नंबर है इलेक्ट्रिकल, गोरखपुर मिल जाएगा क्या? हाँ मिल जाएगा सूरज कुमार। 232 पे मिल जाएगा नीतू, कंप्यूटर की दुनिया का रिप्लाई मेरे पर। राकेश कुमार मिल जाएगा, राकेश कुमार गर्ल्स पॉलिटेक्निक बरेली, घबराओ मत, गर्ल्स के लिए 192 नंबर पे आराम से मिल जाता है, मिलेगा। प्रियस कुमार कन्नौज का कॉलेज है, लो लेवल का कॉलेज है तो मिल जाएगा। रिमझिम दुबे हैं सर, 120 नंबर आया है, मिल जाएगा, कोई जरूरत दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सत्यम फन के फोर मैकेनिकल, अरुण का है 136, फार्मेसी कॉलेज नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट। पीयूष राणा मिल जाने की उम्मीदें हैं, ठीक है पीयूष राणा, काउंसलिंग कराने के बाद ही पता चलेगा। हाँ वर्ल्ड ऑन मोटिवेशनल स्पीच मिल जाएगा। कोई नहीं, साठ गुरु मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिलेगा। नीतू यादव मिलेगा बेटे, मिलेगा। टेक्निकल बाई अदि सेटिंग यू स्टूडियो, अरे वाह, 124 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और सूरज कुमार, अरे भाई कहां गया सूरज बाला कुमार, चलो आगे देखता हूं। अरबाज ओबीसी से 184 मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
बहुत सारे बच्चों का बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है। अशोक यादव 248 पर अयोध्या से बिल मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रियस कुमार अदर स्टेट के लिए कितना भर सकते हैं? अदर स्टेट के लिए 10 कॉलेज का शायद क्राइटेरिया होता है, अभी उसके बारे में आ जाएगा। टारगेट यूपीपीसीएल, अरे वाह, 252 मिल जाएगा। अनिका है ये, अयोध्या मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अयोध्या मिल जाएगा। और किसी का नया, सौरभ पांडे सीएस मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। युग, नए बच्चे आए हैं, 100 प्राइवेट कॉलेज, अरे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। युग युग मेरे भाई, प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट लेना है गवर्नमेंट। सर 244 ओबीसी, अरे यार ढंग का नाम तो लिख लो, P008 है। एक सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा आप जरा बताएं, जो थोड़ा सा अपना पूरा सब कुछ लिख कर दे दीजिएगा ना। मिल जाएगा आशुतोष यादव, मिल जाएगा रोशनी, मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस, 100% मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आयुष द्विवेदी मिल जाएगा, गुप्ता विकास इनका बता दिया था मैंने पहले ही, टेक्निकल बाई अदि इनका भी बता दिया था। रोहित कौन सा कॉलेज मिलेगा सर, 120 लो लेवल के कॉलेज मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। मिस्टर ताहा अली बिल्कुल मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 112 पर, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ युग मिल जाएगा, चैनल से जुड़े रहिए, मैं सबका करूंगा काउंसलिंग, एक तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी सबकी, फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग होगी। अरे भैया आयुष, ऋषि कुमार, सूरज कुमार, क्रिकेट दुनिया, अभिषेक, अभिषेक मिल जाएगा। यच हसलर करके है इनका नाम, 160 ओबीसी पे इलेक्ट्रिकल, हाँ कोई ना कोई मिल जाएगा। और एसिटिक लाइव है, 150 इलेक्ट्रिकल लेटरल एंट्री, झांसी का तो नहीं कहूंगा लेकिन कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। डोरेमन कार्टून 220 लखनऊ कॉलेज मिलेगा, मैकेनिकल कम उम्मीद है 220 पे लखनऊ कॉलेज मिलने की, उम्मीद कम करी जाती है। दो सौ बावन पर कितना रैंक होगा, वही होगा 700 रैंक, 800 रैंक, 1000 रैंक। सर ओबीसी गर्ल्स लेटरल एंट्री में K1 में 160 नंबर है, कोई कॉलेज मिल सकता है? राजेश यादव बिल्कुल मेरे भाई मिल जाएगा, घबराने की कोशिश ना, दिक्कत ना लो। अंकित मिश्रा हो जाएगा काम आपका। आईटीआई कानपुर मिल जाएगा, आईटीआई कर रहे हो जी, अरे भाई लेटरल एंट्री, कोई बात नहीं मैं देख लूंगा, ठीक है। सत्यम के फैन K4, जिनका यहां पर रिप्लाई नहीं हो रहा है इंस्टा पर मैसेज कर लेना, इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जिसको कोई दिक्कत हो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा। अरबाज 140 पे क्या रैंक बनेगी गुरुजी? अरे गुरुजी आपकी रैंक वही बन जाएगी, ये प्रोक्स मान के चलो 184 पे 12-14 हजार। उत्कर्ष अवस्थी 150 पर कितनी रैंक? 50,000 रैंक 150 पे मान के चलो। अतुल प्रजापति सर मेरा 244 से सरकारी कॉलेज है, भैया 100% मिलेगा सरकारी कॉलेज, ड्रीम बॉय, झांसी मिल जाने की उम्मीद है। प्रियंका कुमारी अगर आप गर्ल्स से हैं तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक बंच, ठीक है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अयोध्या मिल जाएगा अशोक, 236 पर जौनपुर कॉलेज कंप्यूटर साइंस, 100% मिल जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। अच्छा इसमें जो बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, कौन कौन से बच्चे जौनपुर के हैं और प्रतापगढ़ के हैं? जौनपुर और प्रतापगढ़ के कौन कौन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि जौनपुर और प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं? मिल जाएगा गेमिंग, क्रिकेट दुनिया हो जाएगा काम आपका। पॉलिटेक्निक का बाप, अरे वाह मिल जाएगा।
252 का मैंने बता दिया कितनी रैंक बनती है। एक सौ बीस पे जो भी रैंक बनेगी अगर गर्ल्स से है आपका मिल जाएगा श्रेया, घबराने की जरूरत नहीं। आशीष सर बलिया से है, अरे अपना बलिया है, बागी बलिया। नेहा तोमर का 168 मिल जाएगा, राजन गोरखपुर से है, प्रियेश कुमार मिल जाएगा। चलिए सूरज कुमार मिल जाएगा लखनऊ, प्रयास किया जाएगा सूरज कुमार मिल जाएगा, ड्रीम बॉय आपका भी काम हो जाएगा, सुधीर मौर्य आपको भी मिल जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा 176 पे। जैकी है इनको 280 नंबर पे लखनऊ मिलेगा। बस्ती मिल जाएगा अंकित। सनी देव है, सनी देव 150 पर चंदौली मिल जाएगा, हाँ चंदौली मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। मिस्टर टेक्निकल केटू के लिए कितना हीवेट में चाहिए? अब केटू के लिए हीवेट में देखना पड़ेगा, रैंक मुझे याद नहीं है, वैसे 13-15 रैंक चाहिए, लगभग 15-20 रैंक चाहिए। ठीक है, ओमिंदर राजपूत 160 है, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रतापगढ़ जौनपुर का है ही नहीं, अरे वाह क्या बात है, हमारे प्रतापगढ़ वाले सो गए क्या एकदम। चलिए सक्सेस हसलर 220 पर कितनी रैंक बनेगी? 220 पर रैंक बनेगी 8000 रैंक। 120 पर प्रियस अगर नहीं मिल पाएगा तो कोई और कॉलेज आपको लेना पड़ेगा, देवरिया के अलावा, देवरिया के अलावा और भी कोई कॉलेज देखना पड़ेगा। सक्सेस हसलर, अशोक यादव, श्रेया तिवारी, कानपुर नहीं मिल पाएगा, श्रेया तिवारी इतने पे उम्मीद नहीं करता कि कानपुर मिल जाए, अगर मिल जाता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम 150 होनी चाहिए गर्ल्स के लिए कानपुर में। राजन यादव 180 K4 मिल जाएगा। नीतीश कुमार टॉप का कॉलेज मिल जाएगा, नीतीश कुमार नंबर वन का कॉलेज। अमन सिंह हो जाएगा काम। राजन हो जाएगा काम, ड्रीम बॉय। चलो राकेश कुमार 152 मार्क्स पर कितनी होगी? 192 नंबर पे वही होगा लगभग, अपना क्या नाम है आपका स्कोर 10,000 रैंक के आसपास आ जाएगा। हर एक कॉलेज का अलग अलग है टेक्निकल, ठीक है। मैं अब की बार जब लाइव आऊंगा तो मोबाइल से आऊंगा लाइव, किससे आऊंगा? मोबाइल से आऊंगा और लैपटॉप पर आपका कमेंट देखूंगा, जिससे मेरी आंखों में दर्द भी नहीं होगा, मैं आंसर भी दे पाऊंगा, ठीक है। चलिए तो प्लीज एक एक करके थोड़ा थोड़ा कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। मोबाइल से आऊंगा ना तो लाइव का कमेंट रिप्लाई कर पाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए ही बना हूं, घबराओ मत, सभी बच्चे सभी साथियों के लिए ही बना हूं। मैंने आप सभी से प्रॉमिस भी किया है कि हर एक कॉलेज में कितनी रैंक जाएगी, क्या जाएगा, सब मैं आप सभी का दिखाता रहूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो मैं एक बार फिर से आपका कमेंट देखना शुरू करता हूं, आप कमेंट कर लो। चलिए तो हम नए बच्चे का देख रहे हैं, बिमलेश मौर्य का 244 पे मिल जाएगा। यंजी है आपके कोई यंजी 240 है, जीबी पंत 204 पे, सिविल इंजीनियरिंग 80 गर्ल, हाँ मिल जाएगा, ठीक है। ऋषि कुमार सर 128 पर मैकेनिकल, ऋषि कुमार सिंह कह रहे 128 पर मैकेनिकल। कौन से ट्रेड मिलेगा? जो भी ट्रेड चूज करना है आप मिल जाएगा, 115 पर भी काम हो जाएगा। जीत सिंह यादव गुरु 168 पर मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ मिल जाएगा, लखनऊ कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा नेहा पांडे। गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, सोएब राजा मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है।
252 पर टॉप 10 कॉलेज मिल जाएगा, टॉप 5 का कॉलेज मिल जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 250 है, 240 है, मुरादाबाद आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 144 पर रैंक वही अप्रोक्स बन जाती है आपकी, 25,000 के ऊपर ही रैंक बनती है, 25 से 30,000। बरेली नहीं मिल पाएगा 169 पे। सनी देव मैंने आपका बता दिया था, जयस पठान है 128 से, डी फार्मा के लिए नहीं मिल पाएगा। अच्छा रैंक चाहिए वो टॉप कॉलेज। आशीष यादव बताइए क्या देखना है आपका। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपका थोड़ा सा नहीं, मैं कमेंट देख रहा हूं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, मैसेज कर लेना इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट जाकर के, ठीक है। बाकी मैं कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूं आप सभी के। हाईएस्ट नंबर कितना आया मुझे पता नहीं, हाईएस्ट नंबर के बारे में